एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज आप देख रहे हो कि मौसम कितना ज़्यादा अच्छा है। जयपुर मौसम बदल गया है पर उमस अभी भी है। तो हम आ गए हैं जू, जो कि है एल्बर्ट हॉल के बिल्कुल सामने, और ये रहा एल्बर्ट हॉल। तो हम यहाँ आए थे, तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि जयपुर का जू कैसा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा सांबर, और उसके बाद में बहुत सारी वैरायटी के हिरण हमने देखे, जिसमें से देख लीजिए यहाँ पर जो है चिंकारा है, और उसके बाद में बहुत सारे क्यूट क्यूट से हिरण हैं। इसके बाद में आर्या हमें कर रही थी सुपरवाइज, बता रही थी ये कहाँ जाना है, तो हम भी उसके साथ साथ चल दिए। और आगे हमने क्या क्या देखा आपको दिखाते हैं। तो क्या आप नोटिस कर पा रही है यहाँ पे जो ये एलिगेटर छुप के पानी में बैठा हुआ है। ये कैसे फ्रंट पे आएगा क्या? ये लो जी, ये आगे भी नहीं पीछे नन, ठीक है वो सही था ना? हाँ चलो आगे क्या है। आगे बढ़ने पर हमने देखा एक सुस्ताता हुआ मगरमच्छ, और मुझे इसको देख के थोड़ी सी ना जेलसी हो रही थी, क्योंकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं सो पाते हैं। तो जब भी ये इस तरीके से सोता हुआ मैं इसको देखती थी ना, मुझे लगता था काश इसकी जगह में होती। लेकिन खैर, हम इसकी जगह पता नहीं कब होंगे। और फिलहाल जो है हम एलिगेटर को देख रहे थे, और देखिए इसके ऊपर का जो आधा मुँह है ना वो है नहीं, पता नहीं वो किस रीज़न से नहीं है। और यहाँ पर ये करा था बिल्कुल आराम, और हम इसको बार बार देख के हैरान हो रहे थे। पहुंच गए हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पर मेरे पीछे देखिए क्या है, ये है स्टॉर्क। ये देखो आपको दिख रहा होगा क्या चाहिए। तो ये आ गया है यहाँ पे स्टॉर्क, और यहाँ पे जस्ट सामने है शुतुरमुर्ग, पता नहीं आपको वो भी दिखेगा या नहीं। तो हम घूम के वापस इधर ही आए हैं। वो हो रहा इसके क्या, अब हम जा रहे हैं नेशनल हिस्ट्री। अब हम जा रहे हैं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, यानी प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। देखते हैं अंदर हमें क्या मिलता है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया कि पहले जिस तरीके की जो है चीज़ें होती थी, कैसे
ह्यूमंस के साथ में जानवर रहते थे, अब तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई है। ये देखिए फॉरेस्ट कैसे होते हैं राजस्थान में वो बताया गया है। देखिए फॉरेस्ट टाइप्स राजस्थान और कहाँ कहाँ होता है। और यहाँ पे मैंने देखी फ्लेमिंगो, मैं इनको पहली बार देख रही हूँ, इससे पहले कभी मैंने किसी जू में या कहीं पे भी फ्लेमिंगोस को लाइव नहीं देखा है। जयपुर का जू हमने अंदर से देखा, मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लगा, बिल्कुल छोटा सा था। मुझे तो लगा बहुत बड़ा होगा, 3-4 घंटे लगेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ और इंदौर का जू तो बहुत अच्छा था, वहाँ पे तो पूरा दिन लग जाता था, बहुत मज़ा आता था, तो इतना बड़ा तो नहीं था। तो अब हम जा रहे हैं अल्बर्ट हॉल, देखते हैं अगर खुला होगा तो उसको भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। गेट और यहाँ से जो है हम आगे जा रहे हैं, देखने में तो कुछ देखा भी नहीं है यहाँ पे, तो गेट के पास हम जाएंगे बाद में, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त बहुत धूप है और भीड़ भी है, बच्चे साइकिलिंग स्केटिंग सब कुछ कर रहे हैं। और हम यहाँ पे आए हैं देखने के लिए, देखिए कितना अच्छा पार्क है, तो यहाँ पे ट्रैकिंग भी है, पार्क भी है, देखते हैं आर्य जी क्या कहते हैं, क्योंकि हमें इवेंचुअली तो सब कुछ उसी के हिसाब से करना है, तो वो घूम रही है तो हम भी घूम लेते हैं, बैठ जाते हैं, अच्छी जगह बैठ जाते हैं, वो तो धूप वाला है, हाँ यहाँ बैठ जाओ, जैसे पार्क वगैरह में सही रहता है। मैंने ये खरीदे थे 2-3 साल पहले, लेकिन कभी पहनने का मौका ही नहीं मिला, तो अभी जूते इतने काट रहे, थोड़े थोड़े बड़े भी हुए, लेकिन मैंने खोल दिए थे, अब मैं जा रही हूँ आर्या को लेने के लिए, चलो फटाफट चलते हैं और फिर आगे आरो आर्या। तो अभी हम जा रहे हैं घर और ये देखिए पत्रिका गेट मेरे पीछे, आपको मैं बाहर से भी दिखाती हूँ, फिलहाल ये अंदर का नज़ारा, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई स्केटिंग कर रहा है, कोई यूं ही घूम रहा है हमारे जैसे। तो ये है पत्रिका गेट अंदर से, यहाँ पर राजस्थान से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाएंगी, तो जब भी आप पत्रिका गेट आएँ इसी तरफ से आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को और एक्सपीरियंस करने को, और फोटोज़ भी खिंचवाएं, मेमोरीज भी बनाएं और ये सब चीज़ें भी ज़रूर नोट करें। और
ये है पत्रिका गेट का बैक का नज़ारा जो कि आपने रील्स में बहुत बार देखा होगा। हम पहुंच चुके हैं घर, चलो तो हम पहुंच चुके हैं घर। और इस वक्त जो है ना, घर पहुंचने की सबसे ज़्यादा बड़ी मोटिवेशन है पानी, क्योंकि मैं सिर्फ 1 लीटर पानी लेके गई थी, 1 बॉटल की, उसमें से आ रही है कितनी बार जो है पिया, वेस्ट किया थोड़ा सा, और थोड़ा बहुत हमने पी लिया लेकिन पूरे अच्छे से नहीं पी पाई क्योंकि बहुत गर्मी थी बाहर। इसीलिए मैं जाऊंगी अब पानी पीऊंगी, पैरों में जो जूते इतने परेशान कर रहे हो वो चेंज करूंगी और फेस वॉश करूंगी, वो सबसे बड़ा रिलीफ होगा सच में आज के लिए। चलो